हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का टाइम है, मैं उठ गई हूँ। लेकिन हाँ, सुबह के टाइम उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है जल्दी। तो रात को चाहे कितना ही लेट सो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन सुबह को अगर कोई जल्दी उठने को बोल दे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि अरे थोड़ी देर और सो जाते हैं, थोड़ी देर और सो जाते हैं। तो उठना तो होता ही है, तो मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ। तो यहाँ पे आप देख लीजिए युवराज को, ये 9 बजे के आसपास का टाइम है। युवराज तो चाय दूध पी के नहाने चला गया है। देखिए ये लेट ही उठता है, क्योंकि रात में ये बिल्कुल भी नहीं सोता है जल्दी। दिन भर खेलता रहता है, रात को लेट सोता है, तो सुबह को लेट ही जगता है। उठने के बाद चाय दूध पी के सीधा खेत में चला गया है फुहारों के नीचे नहाने के लिए, क्योंकि रोज़ रोज़ तो इसको ये मौका नहीं मिलता है। तो ये नहा रहा है। ये हमारे पड़ोसी हैं, मतलब हमारा खेत इनको दिया हुआ है। खेत में काम यही करते हैं हमारे। तो ये पानी भर रहे हैं। ये देखिए दोपहर का टाइम है, कितनी आंधी आ रही है। बहुत तेज आंधी आई थी, बारिश भी आया था। जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से लगातार बारिश हो रही है, डेली हो रही है, रात को भी। मेरी आवाज़ थोड़ी सी बदली बदली लग रही होगी, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है। पानी चेंज करने की वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसके लिए मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाया था। तो अब मैंने सोचा वापस जाने का टाइम हो गया है, तो थोड़ा सा मम्मी पापा के खेत का वीडियो भी बना लेते हैं और आपको खेत भी दिखा देते हैं। यहाँ पर इस टाइम मूँगफली बोई हुई है, मूँगफली पर कचरा बहुत ज़्यादा है, अभी नहीं निकाला है। तो गाइस कैसे हो आप सब, ऐसा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं यहाँ पे गांव में आई हुई, मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं, मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया है। किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप ब्लॉग ज़रूर बनाना, वो भी काउ मिल्किंग का, लेकिन मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, उसकी वजह से मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था। तो आज हम वापस जा रहे हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा सा ब्लॉग बना देते हैं। ये देखिए हमारे, ये मम्मी का खेत है। मैं यहाँ पे मम्मी के आई हुई हूँ, पूरे 2 साल के बाद आई थी मम्मी के पास में, इसीलिए मैंने सोचा कोई वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि मम्मी सोचेगी कि यह तो मेरे से ज़्यादा वीडियो को प्यार करती है, इसीलिए पूरा दिन वीडियो में लगी रहती है। इसकी वजह से मैंने नहीं बनाया था। तो आप देख सकते हो ये पूरा हमारा मम्मी का खेत है, मूँगफली बीजी हुई है अभी। तो ये अनार का पेड़ है साइड में जो है, और इधर के साइड ये आप देख सकते हो ये नींबू का पेड़ है। युवराज भी रेडी हो गया है जाने के लिए, हम भी आज जा रहे हैं। 7-8 दिन हो गए थे आए हुए, तो आप देख सकते हो। तो ये है मूंगफली। मूंगफली वैसे तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन ज़्यादा बारिश होने की वजह से जहाँ पे पानी रुका था वहाँ पे पीली पड़ने लगी है, काफ़ी पीली हो गई है बीच बीच में, आप देख सकते हो। अभी कचरा निकालना स्टार्ट किया है, आधी मूंगफली में कचरा निकाला है, आधी में अभी भी बाकी है। चलिए अब आपको नरमा दिखाते हैं। ये नरमा जब मैं आई थी तब काफ़ी छोटा था, लेकिन लगातार बारिश होने की वजह से ये नरमा काफ़ी बड़ा हो गया है, आप देख सकते हो कितना बड़ा बड़ा हो गया है। देखने भी अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। युवराज बोल रहा है मम्मी खेलने की बहुत अच्छी जगह है, मैंने बोला चलो आप खेल लो थोड़ी देर। ये देखिए काफ़ी दूर दूर तक नरमा बोया हुआ है यहाँ पे। अच्छी बारिश होने की वजह से चारों तरफ हरियाली भी खूब है। मेरे को आए हुए 7-8 दिन हो गए थे, लेकिन मैं आज पहली बार खेत के अंदर आई हूँ, घर से बाहर भी नहीं निकली थी आने के बाद। अब जाने का टाइम हुआ तब आई हूँ खेत देखने के। थोड़ी धूप आ गई है ना, बढ़ चल बीच में बढ़िया। थोड़ी धूप आ गई है ना इसकी वजह से। ये बेर है, बेर का पेड़ है उधर बड़ा, वो हमारे पड़ोसी का घर है। Yeah
यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। युवराज को बड़ा अच्छा लग रहा है खेल के, इसका तो जाने का मन ही नहीं कर रहा है, बोल रहा है मुझे तो इधर ही खेलना है। तो चलिए अब चलते हैं घर, काफ़ी टाइम हो गया है मुझे खेत में घूमते हुए, अब बस का भी टाइम हो गया है, तो चलिए चलते हैं घर, देखते हैं मम्मी क्या कर रही है। मूंगफली में बहुत ज़्यादा कचरा था, अब देखिए कचरा निकालने के बाद कितनी साफ दिख रही है। वो काश्तकारी है जो खेत में काम कर रहे हैं, इसका मतलब क्योंकि हमारा खेत इन्हीं को दिया हुआ है, ये खेत में काम करते हैं। अब देखिए कचरा निकालने के बाद कितनी अच्छी दिख रही है मूंगफली, तो चलिए देखते हैं घर में क्या हो रहा है। किसी ने मुझसे कहा था काऊ मिल्किंग का वीडियो बनाना, अभी ये एक गाय ही दूध देती है इसीलिए मैंने नहीं बनाया था। पिछली बार आई थी, 2 साल पहले आई थी, तब मम्मी के 3-4 गाय दूध देती थी, तो मैं सोचा अब की बार बनाऊंगी ज़रूर, लेकिन अब की बार आई तो मम्मी ने बेच दी है गाय। अब तो बिल्कुल थोड़ी सी गायें रखी है, आप देख सकते हो बिल्कुल इतनी सी है, ये एक भैंस है और उसकी ये पाड़ी है। अभी मम्मी गायों को चारा डाल रही है, अभी इस गाय को भी मम्मी बोल रही है मुझे बेचना है। पहले मुझे नहीं पता था कि मम्मी ने गायें बेच दी है, नहीं तो मैं पहले ही आपको बोल देती, यहाँ आने के बाद ही पता चला, क्योंकि मैं 2 साल के बाद आई थी इसके लिए मुझे नहीं पता था, मैंने पूछा ही नहीं था। यहाँ पे खेल रहे हैं बच्चे क्रिकेट, तो बच्चों को देखकर थोड़ा सा मेरा भी खेलने का मन हो गया, तो मैंने बच्चों को बोला थोड़ा सा मेरे को भी खिला लो ना आपके साथ में। ये एक यूवी है और ये एक मेरा बहन का लड़का है, यहाँ पे मैं भी थोड़ी सी खेल रही हूँ। ज़्यादा तो मुझे नहीं खेलना आता क्रिकेट, लेकिन मेरा थोड़ा सा मन किया तो मैं खेल रही हूँ। यह है इंदिरा गांधी नहर, क्योंकि हमारे खेतों में पानी इसी नहर का लगता है, साथ में ट्यूबवेल का भी हम पानी लगाते हैं, लेकिन नहर का भी पानी आता है। देखिए कितनी बड़ी नहर है, यह इंदिरा गांधी नहर है। यह जब मैं बस में बैठने के लिए जा रही थी तब मैंने इसका वीडियो बना लिया था थोड़ा सा। अब हम कर रहे हैं बस का वेट, बस आएगी तो हम बस में बैठ के जाएंगे बीकानेर, और बीकानेर से हमारी ट्रेन है तो उसी ट्रेन में बैठ के हम जाएंगे बेंगलोर, तो मिलते हैं आपको ट्रेन के अंदर। ट्रेन में बैठने के बाद में मैंने तुरंत वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि मैं काफ़ी परेशान हो गई थी। जब हम बीकानेर पहुँचे थे तो इन्होंने बोला कि आप इधर ही बैठो, मैं नमकीन और पापड़ लेके आता हूँ मार्केट से। मार्केट से आते आते इनको काफ़ी टाइम हो लग गया था, इसकी वजह से ट्रेन निकलने का टाइम भी हो गया था। तब ट्रेन धीरे धीरे रवाना हो गई थी, तब हम भागते हुए ट्रेन के अंदर बैठे थे, तो मैं तो काफ़ी डर गई थी, इसकी वजह से मैंने उस टाइम वीडियो भी नहीं बनाया था,
ये तो काफ़ी देर आगे जाने के बाद का वीडियो है। तो हम अकेले नहीं थे, हमारे जीजा और जीजा की लड़की भी साथ में थी हमारे, वो भी हमारे साथ में आए थे क्योंकि उन्हें भी तिरुपति वाला जी जाना था, तो इसकी वजह से वो हमारे साथ में आए थे। तो हम सब ट्रेन में बैठे हुए बातें कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं ट्रेन के अंदर। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसके लिए वीडियो को कर रही हूँ एंड। ओके बाय गाइस, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक ओके बाय।